वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बहुत टाइम से, क्योंकि जो स्कोर कार्ड है एंड मार्क्स जो मिले हैं बच्चों को, वहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है। एंड जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जिनके कम आ रहे हैं इस बार, तो हमने जो वेदांतु में इसमें विक्ट्री सेलिब्रेशन मनाया, वहाँ पे एक बात बहुत ही ज़बरदस्त लगी कि यहाँ पे हर एक बच्चा, चाहे उसकी टॉप 5 रैंक थी, टॉप 10 रैंक थी, 715 वाला बच्चा, 710 वाला बच्चा, 650 वाला बच्चा, सबके लिए एक ही इंतज़ाम था, कोई भेदभाव नहीं। सबको सेम फ्लाइट से लाया गया बेंगलोर तक, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और सेम तरीके से भेजा गया। सारी खातिरदारी भी एकदम सही तरीके से, सबके साथ एक जैसी खातिरदारी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे मकसद ये था कि जस्ट मेहनत का होना चाहिए, रैंक का नहीं। जिसने भी सच्ची मेहनत की है उसको ज़बरदस्त कामयाबी मिलती ही मिलती है, आज नहीं तो कल, वक्त लग सकता है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि किसी के यहाँ एक ही सिस्टम था, वो पढ़ाई करते थे और बगल से मम्मी बर्तन मांज रही हैं, धुल रही हैं, उसकी आवाज़ आ रही है, तो डिस्टर्बेंस होता था, नंबर ऑफ थिंग्स, लेकिन बच्चों ने सफलता हासिल की। और जो इस बार रह गए, जिनके उतने मार्क्स नहीं आए, त्यागी जी आपका क्या कहना है कि जिन बच्चों के मार्क्स नहीं आए उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ना यार कि मतलब इट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, कि ये तो नहीं उतने कैसा है कि यार कोई एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, लाइफ ख़त्म हो गई। तो बस यार बहुत कम टाइम रह गया है और हम सब आप लोगों के साथ हैं। मैं बायो बाबा आसिफ त्यागी, मैजिकल गुरु HSP सर, और अभी एक और सर हैं, देखिए यहाँ पे सस्पेंस है, आप गैस कर पाए, सोचिए कौन से सर हैं। अब इनके साथ एक टाइटल बनाना पड़ेगा यार कुछ, है ना। तो ये हेलो हेलो स्टूडेंट सर, और बहुत जल्दी यार कुछ और सस्पेंस आपके सामने रिवील होने वाला है। तो ये केमिस्ट्री, ये बायो और फिजिक्स, सर आप बताइए जिन बच्चों के इस बार नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं नीट में, उनके लिए कुछ बोलिए आप। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस प्रोफेशन की आप बात कर रहे हैं वो एक डिग्री नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, और उस इंस्टीट्यूशन को पाने के लिए अगर आपका एक साल ज़्यादा भी लग जाए तो वो ज़िंदगी भर पे ही करता है। इसलिए हम सभी बच्चों को ये कहेंगे कि बिल्कुल वेट ना करें, और मुश्किल से 6 से 7 महीने के बाद आप भी एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं और इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। तो मैं सर आपके थ्रू सारे बच्चों को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इस वक्त डिसीज़न लेने का समय ख़त्म होता जा रहा है, जल्द से जल्द डिसाइड करें और इस जर्नी को आगे बढ़ाएं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा त्यागी सर, आप ये बताएं कि कई बच्चों को ये लग रहा है इस बार बहुत चीटिंग हुई, और सभी ने ये एक्सपेक्ट किया था 590 के आसपास, मतलब 585 585 590 कट ऑफ जाएगी ऑल इंडिया की, लेकिन जो चीटिंग हुई और बहुत सारी धांधलीबाजी हुई, इससे बच्चों का मनोबल टूट गया कि हम करें भी तो करें क्या। पहले लगता था हम करें, मेहनत करें, होगा नहीं होगा, अब एक और सिलसिला बार बार शुरू हो गया कि कहीं पेपर लीक हो गया तो क्या होगा, कि इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नहीं बच्चों, पता क्या, देखो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, जो है देश का दुर्भाग्य कह लीजिए या जो भी कुछ कह लीजिए, अच्छी बुरी बात। मतलब मुझे भी यार इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तो मुझे इस बार के एग्जामिनेशन सिस्टम में मुझे फेयर तो नहीं लगता। OMR में ही बड़े सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं, बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, OMR अलग डाउनलोड हुई थी, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, आपके सामने भी आई होंगी। लेकिन फिर भी ये कि यार शो तो चलता रहना चाहिए ना, लाइफ तो चलेगी। जिन लोगों ने मेहनत करी है वो अभी भी क्वालिफाई करके बैठे ही हैं, मार्जिन पे थोड़ा अफसोस तो होता ही है, तो अब इन सब चीज़ों को जाने दो यार। अगर हम ये सोच के बैठे रहे यार कि नहीं एग्ज़ाम लीक हो जाएगा, पेपर आउट हो जाएगा, ये सब चीज़ें जो भी हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं ना हम, जल्दी आप चिंता मत करिए, ठीक है, तो मिलते रहेंगे आप लोगों से ना। तो VR सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, लगभग 22-23-24 साल का एक्सपीरियंस है आपका, आपका क्या कहना है कि बच्चे जैसे मान लो ड्रॉपर बच्चा है और वो इस बार नहीं सेलेक्ट हो पाया, मान लीजिए उसके 600 नंबर या 500, चलो 600 नंबर पे तो एक एक्सपेक्टेशन बनती, 550 ही रह गए, तो 550 650 इसमें कितना डिफरेंस, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप बताइए ड्रॉप करके बच्चों को आपने सेलेक्ट होते हुए देखा है और कैसे देखा है।
सर मैं इसमें आपको एक स्टैटिस्टिक देना चाहूँगा कि आज भी टॉप 100 में 55 स्टूडेंट ड्रॉपर ही होते हैं, और ड्रॉपर का मेरा मतलब ये कि 12th पास करने के बाद वो एक या दो साल तैयारी भी करते हैं, तो इसमें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके 550 मार्क्स आ रहे हैं या हम कहते हैं 500 प्लस भी आ रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी अगर आपकी इच्छा इस इंस्टीट्यूट में जाने की या एज ए MBBS अपने को देखना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। और आपको ये सोचना चाहिए कि बहुत बार रेस में आदमी क्या होता है, रेस लाइन से थोड़ा सा चूकता है, लेकिन उसके बाद उसका डिटर्मिनेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, पहले के रेस्पेक्ट में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो रेस लाइन के आगे ही गिरेगा। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि आप, मेरी पूरी शुभकामनाएं कि आप रेस लाइन के आगे जाएंगे, मींस आप हर कीमत पे सेलेक्ट होंगे, और इन सब छोटी छोटे जर्नी से डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आप तीन गुरु मतलब इंक्लूडिंग मी, और हम सभी का 20 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हम सभी ने आकाश में पढ़ाया, एलन में पढ़ाया और कई लंबे वक्त तक पढ़ाया, और आज हम वेदांतु में हैं। मतलब आप सोचिए कि अभी मैं इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तीनों ही गुरु बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हों और सभी इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं, और हिम्मत नहीं हारनी है। उन सबका राय सबकी यही है कि हिम्मत मत हारो, कहते हैं ना, जिसको मेहनत करने की आदत हो जाती है उसके मुकद्दर में सक्सेस उसी दिन लिख जाती है। लोगों को आज नहीं तो कल नज़र आती है, लेकिन मेहनत, अगर आदत है मेहनत की, तो आप सक्सेसफुल होंगे, है कि नहीं सर? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं इसी उम्मीदों के साथ आपको अगेन ये बात बोलना चाहूँगा जो सर ने कहा, डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं। सक्सेस भले रुक के आए, लेकिन ये सक्सेस जब भी आएगी तो ग्रैंड ही आएगी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, राइट।